हाय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंडोज 7 में आप इस ब्लैक स्क्रीन एरर को किस तरह से सही कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए हैं। मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसे क्रॉस कर देता हूँ। पहले तो देख लेते हैं कि समस्या क्या आती है डियर फ्रेंड ब्लैक स्क्रीन में। ये देख लीजिए, कोई भी हम डेस्कटॉप पे वॉलपेपर या इमेज सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में इस तरह से हो जाता है ब्लैक, और साइड में इस तरीके का दिखाई देता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, इस तरीके का द कॉपी ऑफ विंडोज इज़ नॉट जेन्युइन, इस तरीके से लिख करके आता है। तो इस ब्लैक स्क्रीन के प्रॉब्लम को किस तरह से आप सही कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ स्टार्ट पर डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से देख लीजिए, और यहाँ सर्च पर आपको टाइप करना है CMD। ये कमांड प्रॉम्प्ट के लिए होता है डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए। और इस कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर जाइए आप, और यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आप क्लिक कर दीजिए इसे ओपन करने के लिए। ध्यान रहे डियर फ्रेंड्स, आपको सर्च पे जाना है, CMD लिखना है, उसके बाद CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पर जा करके आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको चूज़ कर लेना है, क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर यस या नो पूछा जाएगा, इसको आपको यस कर देना है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करते ही इसका डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टाइप करना है कैपिटल ए स्मॉल, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर टाइप करना है आपको SLMGR, फिर इसके बाद आपको एक स्पेस देना है, सिर्फ एक ही स्पेस देना है। उसके बाद आपको टाइप करना है स्पेस देने के बाद आपको हल्का सा डैश लगाना है एक, और डैश के बाद आपको स्पेस के बगैर स्पेस नहीं देना है, और लिखना है आपको REARM, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, इसे मैं आपको थोड़ा सा, आपको लिखना है SLMGR स्पेस, फिर डैश, फिर लिखना है REARM, रियर्म, ठीक है। इसके बाद आपको इंटर कर देना है, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं आप, मैं इंटर कर रहा हूँ। इंटर करते ही आपको कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करना है डियर फ्रेंड्स। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद देखिए आपके पास ये इस तरह से मैसेज आएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ रीस्टार्ट द सिस्टम फॉर द चेंजेस टू टास्क इफेक्ट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका काम सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरीके से आप ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, और रीस्टार्ट करते ही आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। चलिए हम इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसे हम ओके कर लेंगे, और इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे सिंपली, और यहाँ पर हम इसको रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास वो जो पॉपअप मेन्यू आता था डेस्कटॉप पे सबसे पहले स्टार्ट होते ही, वो ऑप्शन भी नहीं आया यहाँ पर, और ना ही साइड में, यहाँ पर साइड में हमें कोई मैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं ब्लैक स्क्रीन की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।